पे पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन जो ब्याज का कैलकुलेशन है वो वार्षिक और अर्धवार्षिक है, मतलब समय के साथ इसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, समय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, टेबल बनता है ना। अगर अर्धवार्षिक करके 6-6 महीने का है तो 2 टेबल बन जाएगा, 6 महीना और 6 महीना, ठीक है, और ईयरली में 1 ही टेबल बनेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में समय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, केवल जो ब्याज है आधा कर दिया जाता है। जब हाफ ईयरली होगा तो ये ब्याज 3% के दर से लगेगा 6 महीना पे, है ना, 6-6 महीना पे 3% 3%, तब तो होगा साल भर में 6%। और जब अर्धवार्षिक कैलकुलेट करेंगे तब ऐसा होगा, जब वार्षिक कैलकुलेट करेंगे तो 6% के हिसाब से ही कैलकुलेट करना है। तो बनाओ सवाल, देखते हैं बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। सुनो यहाँ पे 50,000 क्या है, मूलधन दिया हुआ ना एक तरह से, ठीक है, और इसी पे कैलकुलेट करना है, मूलधन ही दिया हुआ है। तो एक तो देखो वार्षिक ब्याज के दर से जब वार्षिक कैलकुलेट करेंगे तो यही एक ही टेबल बनेगा ना, 6% का है कि नहीं। तो 50,000 के दर से यहाँ इसका 1% 500 है, तो 6% 3,000 हो जाएगा ना, ठीक है। एक इधर भी देख लो तुम, अब छोड़ो ना, अब ट्राई कर रहा है 45 रुपया बोल दिए, अब आराम से बैठ जाओ, तो यही कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है, तरीका होता है, ठीक है, ठीक है। 6% के दर से ये हो गया, अब यहाँ वही घुसा रहेगा, यहाँ देख लो ठीक रहेगा। 50,000 के दर से है ना, 50,000 रुपये पे 6%, अब यहाँ पे कर रहा है 6, तो एक साल का टेबल है ना, 6 महीना का हो जाएगा, तो इसको 6 महीने का ब्लॉक बनाएंगे, तो 6 महीना 6 महीना 2 ब्लॉक बनेगा ना, अरे तो ये अभी वार्षिक कैलकुलेट हो रहा है, पहले 1 साल का निकाले हैं, ठीक है, अभी 3 महीने तो एक साल का है, अब अर्धवार्षिक करेंगे तो ये तो 3% हो गया ही, 6 में 2 से भागा देंगे तो ये 3% है, 6 महीना 6 महीना 1 साल का हो गया। अब ये यहाँ से 50,000 तो इसका 1% 500, 3% 1500 रुपया आएगा कि नहीं, यहाँ भी 1500 है, इसका 1% 15 45। एक बात बताओ यहाँ क्या आ रहा है, 3000 3000 45, 1500 1500 क्या हुआ, 3000 है 3000 45 है 3000, तो इसी के ना बीच का अंतर पूछ रहा था। जब वार्षिक गणना किए तो चक्रवृद्धि ब्याज 3000 आया, जब अर्धवार्षिक किए तो 3045 आया, तो 45 रुपया आंसर हो गया, ठीक है, ऐसे ही है, तो इसको काट दो, इसको काट दो, तो इस तरह से हो गया, ठीक है, ये भी है ना। अब कितना इसमें इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ये देखो ये 50,000 है, मतलब एक टेबल ये बनेगा वार्षिक का, यहाँ देख लो पहले 6% है ना, ये यहाँ ये 3% होगा कि नहीं, 3%, ठीक है, ये मूलधन का जो 6% निकालते हैं तो ये भी तो 6 ही% है ना, एक्चुअली में 6% का वैल्यू लिखते हो ना जी, इसका 6%, इसका 3% है ना, तो यहाँ भी तो ये 3 ही% आएगा, ये 3% का 3% कितना आएगा, 6% कि 0.09%, इसका 3% निकालेंगे ना, ये 3% इस पर भी ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा, जब 0.09% आ गया ना, हाँ तो इसका देखो इसका 1% कितना है, इसका 1% है 500, ठीक है, 0.1% कितना हो जाएगा 50, फिर बोले थे ना 0.01% कितना हो जाएगा 5, इसको 9 से गुना करो, इसको 9 से गुना करो, 0.09% बराबर 45, तो डायरेक्ट आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो 45, या तो ये कर लो, ठीक है, यहाँ नोट्स तुम कर लो, एक तरीका नहीं अपना, कब क्या दिमाग में क्लिक कर जाए है ना, सब चीज़ का कहाँ यूज आ जाए कोई ठीक नहीं है, ये सोच के पढ़ोगे कि नौकरी हो जाए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, इसीलिए कहा गया है, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, ये पढ़ोगे लिखोगे तब कलोगे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो, है कि नहीं, एक सक्सेसफुल कुछ भी बन सकते हो पढ़ाई लिखाई के बेस पे, केवल नौकरी टारगेट करके पढ़ना है तो ये नहीं है, हर तरीके से आपको यूज होना चाहिए, है ना, पढ़ाई इसलिए हमेशा काम आता है, नौकरी टारगेट करके तो पढ़ना ही है, लेकिन पढ़ाई पढ़ना है उसका बहुत सारा यूज है, केवल नौकरी में ही यूज नहीं है, इसलिए लोग है ना पढ़ना ही छोड़ देता है जब नौकरी ही नहीं होगा, नौकरी अलग चीज़ है, अलग दुनिया है, वो अपना एक अलग जगह है।
पढ़ाई किसी एक चीज के लिए नहीं किया जाता है, इसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, है कि नहीं? कब क्या काम आ जाए कोई ठीक नहीं है, इसलिए सीखने का उम्र होता है जितना सीख सको। देखो ये अर्धवार्षिक है ना, तो पहले तो टेबल बना लेते हैं, 6 माह 6 महीना तभी तो 1 साल का होगा। ये क्या है, 5% वार्षिक ब्याज के दर से है, तो अर्धवार्षिक हो गया तो इसको 5/2 करेंगे ना, इतना प्रतिशत होगा 2.5, तो यहाँ पे 2.5% लगता है ना, ये भी 2.5% लगे, इसका भी क्या होता है 2.5%, ये अपने आप में 625 है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, अब प्रतिशत है तो नीचे 100 आएगा ना, तो 100 625/100, दो को दशमलव नीचे उतर के आएगा तो और 4 जीरो हो जाए, 2 जीरो तो 4 जीरो, तो 625 चार अंक के बाद दशमलव होगा ना, तो ये 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो 1 साल के लिए उपयुक्त तो वार्षिक ब्याज का दर क्या हो गया, यहाँ से देखो तो 5.0625%, ये आंसर आएगा ना, इसका तो 2.5% लगता है ना, ब्याज की ब्याज होता है ना, बकाया ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जो बकाया राशि पे लगता है, तो बकाया राशि पहले ये था तो चक्रवृद्धि ब्याज पे 2.5 यहाँ लगा, 2.5 ही होता है ना किसी चीज का, 2.5 लिख सकता है कि नहीं, लिख दिए, अब कर ब्याज पे ब्याज, तो दो ब्याज बकाया राशि पे ब्याज लगता है, तो ये बकाया राशि हो गया, अब ये बकाया राशि, तो इसका भी 2.5 लग गया यहाँ, इसका भी 2.5 लग गया यहाँ, तो इसको 2.5 कैलकुलेट कर दो, इसमें तुम लोग को दिक्कत हो रहा है, यहाँ दिक्कत हो रहा है ना, कैसे हो गया, तो दिक्कत हो रहा है तो बचपन का तरीका है ना, अब हम कह देंगे भाई 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है, तो नहीं पता है तो 25×25 करके देखो ना, ठीक है, अब इसमें भी एक ट्रिक होता है, 25 25 ये क्या है, 5 है ऊपर नीचे 5 रहेगा, तो 5 का स्क्वायर 5 का पहाड़ा पर दो, 25 25, ये जो 2 होता है इसमें 1 जोड़ दो, 3 3 × 6, अगर आपको ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है तो बच्चा में कैसे गुना सीखे हो, इसको करके देखो 25 25 × 5, 8 × 2, 5 × 10 = 12, यही तो रामबाण है, सारा बेस तो इसी पे ना खड़ा है, ठीक है, फिर 2×5 = 10, 8 में 1, 2×4 = 5, 5×2 = 6, 625 आया कि नहीं आया, तो इस तरह से करके खुद देखो ना, तुम लोग करना नहीं चाहते हो, पेंसिल चलाते नहीं हो शायद, तो 2.5 का 2.5% करेंगे ना भाई, तो यहाँ 100 हो गया कि नहीं, और यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, तो 2 जीरो उतरेगा, है ना, अब 625 × 4 जीरो, इसको दशमलव करेंगे तो 4 जीरो, तो 4 अंक के बाद दशमलव आएगा ना, 3 ही अंक है तो यहाँ डाल दो 1 अंक और दशमलव डाल दो, 50,000 रुपये पर 15 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यदि पहले साल के लिए ब्याज का दर 4% वार्षिक हो, दूसरे साल के लिए ब्याज का दर 10% वार्षिक हो, तथा ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, ये सवाल है। देखो तो 6 महीने के लिए बोल रहा है ना, ब्याज की गणना 6 महीना है, तो 15 महीना को बांट दो 6 पार्ट में, है ना, मान लो पहले टेबल, ये 6 महीना, 6 महीना कितना हुआ जी, 1 साल, 1 साल है ना, 15 महीने के लिए बोल रहा था, 6 महीने का और टेबल बनाएंगे ना, 6 महीने का और टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 6 6 6 18 महीना, मतलब ये 6 महीने 6 महीने से तो ऊपर जाएगा, इसमें आएगा है ना 15 महीने के लिए, अब ये 6 महीना 6 महीना, इसको 6 महीने का आधा कर देंगे तो यहाँ से 3 महीना, तो 6 महीना 6 महीना और 3 महीना, 15 महीना हो गया टोटल, तो इस तरह से 3 टेबल बनेगा, सबसे पहले टेबल बना लो, सवाल क्या कहता नहीं कहता बाद में देख लेंगे, ठीक है, पहला स्टेप है ना, इसी पे तो सजाना है, सजाने का काम कैसे करोगे, रास्ता देखा हुआ रहेगा तब तो घर बना चले जाओगे आराम से, नहीं देखा रहेगा तो दिक्कत हो जाता है, घर बना दिए कहाँ क्या है उसको पुट कर देना है, ठीक है, बन गया है ना रास्ते की तरह, टेबल बना दिए, अब ब्याज की गणना करा, अर्धवार्षिक है, ठीक है, तो पहले साल के लिए, तो पहला साल का मतलब क्या हो गया, एक यहाँ ये भी होगा, ठीक है, पहला साल तो यही ना हो गया, 6 महीना 6 महीना है ना, 1 साल पहले, तो पहले साल के लिए कह रहा है कि 4% है, तो यहाँ पे 4/2% करो, यहाँ 2% आया कि नहीं, ये 2% लगेगा, तो इसका कितना है, 50,000 का, इसका 10% 5,000 है, 1% 500, 2% 1,000 होगा, ठीक है, तो यहाँ भी 1,000 लिखेंगे नीचे, अब चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं किसको कहते हैं, बकाया राशि पे जो लगता है, बकाया राशि ये है और ये है बकाया राशि, तो इस पर 2% लगाओ तो फिर 1,000, इसका 10% कितना है, इसका 1% 10 है, 1% 10 है, 2% ही ना लगेगा इस पे, 2% 20,
इसका 1% कितना है, 10 है ना, तो 2% बीस ही ना होगा, 2 ही % ना लगेगा, है कि नहीं। यही पे गलती किया। आप देखो कॉपी खोल रहा है, यार देख लो आराम से करते रहना, इतना समय दिया कि नहीं, इतना समय कोई नहीं देता है सॉल्यूशन फटाफट, लेकिन तुम्हारे पास भी ज्यादा समय है तो आराम से पढ़े, है कि नहीं। अब कोशिश पूरा कर लिए हो तो आप समझने की बारी है, समझो ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं, तो 2% ही लगा ना एक साल के लिए। आप दूसरे साल के लिए कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 10% वार्षिक, मतलब एक साल का काम हो गया ना जी, यहाँ से दूसरे साल के लिए यहाँ से चालू हो रहा है। दूसरे साल के लिए जो ब्याज, यहाँ ब्याज का दर हो जाएगा 10% / 2, क्या हुआ 5%। आप जो बकाया राशि ये है, ये है, ये है और ये है, इस पर कैलकुलेट करेंगे ना बकाया राशि, तो इसका जो 1% कितना है 500, तो 5% 2500, इसका 1% कितना है 10, तो 5% 50। अब इस ये दोनों बकाया राशि बचा है, तो इसका कितना है 10%, 5% 50, इसका इसका तो 10% 2 है ना, तो 5% आधा कर दो तो 1, ठीक है। अब ये हो गया, तो तुमको यही तो पूछा कि कितना ब्याज टोटल लगेगा, है ना। तो ये 18 महीना का है ना जी, 18 महीना का, 5% के दर से भी ब्याज यहाँ कैलकुलेट कर लिए। आप जो इसको आधा करेंगे 6 महीना का है, तो 3 महीना का आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको करो आधा, 2 × 4 = 10 = 12 = 50 आएगा कि नहीं, ये 25 हो जाएगा, और यहाँ भी ये 25, और इसका आधा 0.5। अब यही तो हो गया 15 महीने का ब्याज, तो यहाँ से कैलकुलेट करो कितना हुआ, जोड़ लो, यहाँ 1000, ये यहाँ से 1000 1000 1000 ले लो, मतलब 3000 हुआ ना, यहाँ पे 250 है, ये भी 50 इसमें जोड़ दो, तो 300 हो गया, ये 320.5, 3000 इधर था तो 320.5 हुआ ना, 320.5 है, 3000 इसमें जोड़ दो तो इतना हो गया, कितना हुआ 33.5, तो ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करोगे।